अच्छा शरीर चाहिए तो अच्छा खाना खाओ। जैसे हमारे मंत्री जी थे, अभी जो 77 इयर्स में जो है इतने एक्टिव हैं, कई बार तो स्टेज पर आ चुके हैं, हर जगह पर एक्टिव होते हैं, मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में इनके साथ रहता हूँ, और पहली बार जब इन्होंने अपनी एज बताई तो मैं तो ये सोच रहा था कि 57 होगा, पर इट वाज 77। तो बहुत अच्छा खाना खाया। आप लोग भी जैसा शरीर बनाना चाहते हैं वैसा खाना खाएं, और जैसा दिमाग बनाना चाहते हैं ना तो वैसी किताबें पढ़ें। जिस लेवल की किताबें पढ़ोगे वैसे विचार आपके मन में आएंगे, वैसे साथी बनाओ, जैसे आपको बनना वैसे साथी बनाओ। हर एक आदमी को अपना आइडियल बनाना चाहिए, उस आइडियल जैसा बनने के लिए जो जो काम उसने किए वैसे वैसे काम करने चाहिए। ऐसे कैसे एग्जैक्टली दूसरे के जूते अपने पैर में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी फुटप्रिंट्स तो देखने पड़ते हैं, पता चलना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने वक्ता यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने अपने टाइम पर अच्छी मेहनत की है, अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है, इसी कारण से वे लोग इस लाइक थे कि उन्होंने यहाँ पर आकर के कुछ बोला। मैं आज इस जो एमएसओ का जो ये प्रोग्राम है, मैं इस पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बात के लिए नहीं कि मुझे बुलाया, मुझे बुलाना नहीं बुलाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने यूथ को मोबिलाइज किया, इतने युवाओं को इकट्ठा किया, इतने युवाओं को देश के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया, ऐसे मौके पर इतने शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार से बैठकर के बातें करना, जिस कहीं पर शिक्षा, रोजगार, भविष्य ऐसी बातें नहीं होती हैं, समाज सेवा और इन सब चीजों के बारे में इस प्रकार के प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, और युवाओं को कहा जाता है कि युवा रास्ता भटक चुका है, तो ये रास्ता भटके हुए युवा नहीं है, ये अच्छे युवा हैं, अच्छे तरीके से चलने वाले युवा हैं, अच्छी पढ़ाई करने वाले युवा हैं। और एनएसओ के जो भी फाउंडर हैं, जिन्होंने बताया कि 2 साल पहले ये जो अचीव चालू की गई, और 2 साल के अंदर इस प्रकार से आयोजन करना, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार के आयोजन आप हर शहर में कर पाएंगे, इतनी युवा शक्ति आप लोगों के साथ हर शहर में जुड़ेगी, और आप एक देश के लिए मिसाल कायम करेंगे कि देश के युवा को कैसे सही दिशा दी जा सकती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के जो है जितने भी ये वॉलेंटियर्स और जो भी लोग हैं, मैं कुछ तो किताबें लेके आया था, कुछ किताबें अच्छा साहित्य मैं यहाँ पर देकर के जाऊंगा, और आप जो सभी लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि पढ़े। आप लोगों को पढ़ना चाहिए भगत सिंह, आपको पढ़ना चाहिए इतिहास, आपको पढ़नी चाहिए राजनीति, आपको पढ़ना चाहिए अर्थशास्त्र, 3 चीजें तो आप चाहे जो भी पढ़ते हो, आपको डॉक्टर बनना है तब भी